सेवन स्टार किचन को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं। हेलो एवरीवन, सेवन स्टार किचन पर आपका स्वागत है। आज मैं आपसे कोई रेसिपी शेयर नहीं करने जा रही हूँ, इसकी बजाय मैं आपसे ये शेयर करने वाली हूँ कि सर्दी, जुखाम और खांसी से कैसे बचा जाए। आज मैं आपको 10 ऐसे उपाय बताने वाली हूँ, अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये मेरे खुद के अजमाए हुए घर के ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स हैं, तो आप भी इन्हें फॉलो करें और इनका लाभ ज़रूर उठाएं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आपको खांसी आ रही है तो आप इसके लिए अजवाइन का यूज़ कर सकते हैं। आप आधा से एक चम्मच अजवाइन खाएं और फिर पानी पी लें। अगर आपको खांसी आ रही है तो वह तुरंत रुक जाएगी। आप अजवाइन को, अगर आपको ज़्यादा खांसी आ रही है तो 3 बार खा सकते हैं, और अगर कम खांसी आ रही है तो 2 बार खाएं। एक बार सोने से पहले ज़रूर लें और सुबह उठने के बाद 1 बार खाएं। इससे आपकी खांसी एकदम ठीक हो जाएगी। अगर आपको जुखाम है और आपकी नाक बंद है और आपको छींक आ रही है तो आप दूध के साथ च्यवनप्राश लें। रात को सोने से पहले आप 1 गिलास गर्म दूध के साथ 1 चम्मच च्यवनप्राश खाएं। च्यवनप्राश अगर आप डाबर का लेंगे तो वह सबसे अच्छा है, आप चाहें तो किसी और ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ही जुखाम हो गया और छींक लगातार आ रही है और आप जुखाम से एकदम बहुत परेशान हैं तो आप सुबह भी च्यवनप्राश खाएं। सुबह उठने के बाद आप 1 चम्मच च्यवनप्राश गर्म पानी के साथ लें। खाली पेट भी ले सकते हैं और खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, और इसके साथ ही आप अजवाइन का भी सेवन कर सकते हैं। वैसे तो ठंडियों के मौसम में ड्राई फ्रूट का सेवन करना बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, लेकिन अगर आपको सर्दी, जुखाम, खांसी है तो आप ड्राई फ्रूट का सेवन ज़रूर करें। ड्राई फ्रूट का सेवन करने से आपकी जो बॉडी होगी उसकी इम्यूनिटी अपने आप डेवलप हो जाएगी और फिर आपकी सर्दी और जुखाम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। सर्दी, जुखाम और खांसी से बचने के लिए या फिर इसे कंट्रोल में रखने के लिए यह ज़रूरी है कि आप शाम को कभी भी मूली, खीरा और दही का सेवन ना करें, और इसके साथ ही आप शाम के वक्त फलों के जूस के सेवन से भी बचें। आप सर्दियों में जब भी चाय बनाएं, आप उसमें अदरक डालें, काली मिर्च डालें और बेसल लीव्स डालें, यानी कि तुलसी के पत्ते डालें। इसकी जगह आप काढ़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको सर्दी, खांसी और जुखाम में बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और आप घर में ही काढ़ा बना सकते हैं, इसके लिए आप 2 कप पानी लें। पानी जब हल्का बॉयल होने लगे तो आप इसमें 1 इंच अदरक डाल दें कूटकर, 3 से 4 काली मिर्च डाल दें, 3 से 4 लौंग डाल दें और 4 से 5 बेसल लीव्स डाल दें, मीन्स तुलसी का पत्ता डाल दें, और 1 से 2 चम्मच स्वाद अनुसार चीनी डाल दें। और अब इसके पानी को हम हाफ क्वांटिटी होने तक खौलाएंगे, यानी हमने 2 कप पानी लिया था तो ये जब तक 1 कप ना हो जाए इसे खौलाते रहें। काढ़ा बनने के बाद आप इसे छानकर 1 गिलास में रख लें और 3 से 4 बार दिन भर में सेवन करें। आप इसे बार बार गर्म कर यूज़ कर सकते हैं। आप डेली एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करने से जो सर्दी, जुखाम, खांसी होती है ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, और अगर आप रनिंग करेंगे तो ये और भी जल्दी ठीक हो जाएगा। सर्दी, जुखाम और खांसी से बचने के लिए आप सर्दियों में जब भी पानी पिएं तो गर्म पानी ही पिएं। गर्म पानी यानी कि हल्का गर्म या फिर गुनगुना पानी पिएं। सर्दियों में आप बिल्कुल भी दिन में ना सोएं, क्योंकि दिन में सोने से कफ बनता है और इससे सर्दी, खांसी, जुकाम बढ़ता है। और अगर आपको किसी वजह से सोना पड़ता भी है तो आप ज़्यादा समय के लिए ना सोएं, 15 से 20 मिनट ही सोएं। अगर आपको सर्दी, जुकाम है तो आप डिनर में चावल बिल्कुल ना खाएं। सर्दियों के वक्त या फिर सर्दी, खांसी, जुकाम अगर आपको हो रखा है तो आप शाम को कभी ना नहाएं। शाम को मीन्स शाम को या रात में ना नहाएं, और सुबह और शाम को एकदम फुल कपड़े पहने। मौसम चेंज होते वक्त कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता है कि ठंडी लग रही है लेकिन बॉडी में ठंड लग जाती है। सो एवरीवन, आप इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें और इन सर्दियों में सर्दी, जुकाम और खांसी से बचे रहें। और सर्दियों से बचने के लिए आप किन टिप्स का यूज़ करते हैं वह आप मेरे साथ भी शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।